A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrahi, and on behalf of the whole Etician family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science class 10, and we are reading chapter 4, that is carbon and its compound. Okay, and today we are going to read about allotropes of carbon, the different forms of carbon that we know. We'll be reading it about it today. And before starting the class, let me remind you that Etution is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. Okay. So, and even I have a news for you. We are conducting monthly exams on 9th October from 4 to 4:45 p.m. So don't forget to miss that. Don't forget to appear for the paper, because it's very essential for you to evaluate yourself. There will be the syllabus is for the monthly exam, will be whatever I have taught in the previous 1 month. So I'll just go through that and appear for the paper 9th. Okay, so for that, just download the app, scroll down, you'll finding monthly test, and then you appear. Okay, so let's see what we're going to discuss today without wasting any further time. Today we have just a single topic to discuss, and that is allotropes of carbon. We'll be discussing different types of forms of carbon that is present in the environment. Let's discuss. So what we are going to discuss, the first is, okay, the phenomenon of the existence of the same element in different physical forms with similar chemical properties is known as allotropy. Now what is allotropy? The phenomenon of existence of same element, यानी कि एक particular element का अलग अलग तरीके से existence होने को allotropy बोलते हैं. ठीक है, वहाँ के chemical property same रहेगा but physical property अलग अलग रहता है. तो क्या मतलब हुआ? Carbon जो है वो same ही element अलग अलग form में होगा, लेकिन उनका जो physical properties अलग होंगी उन चीज़ों की, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है. यानी कि द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम फिजिकल, हैविंग डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी इज एलोट्रॉपी. यानी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका कि अलग अलग फिजिकल होगा बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा. ओके, सम एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा एग्जिबिट दिस फेनोमेनन. अब कौन कौन ये पर्टिकुलर होते हैं जो कि एलोट्रॉपी दिखाते हैं? कार्बन सबसे पहला, सल्फर, ओके, फॉस्फोरस, ये दिखाते हैं. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट स्पेशली आप याद रखो कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, जो कि एग्जिबिट करते हैं इस फेनोमेनन को. नाउ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन. तो और आपका जो कार्बन, हम कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के दो टाइप के एलोट्रॉप्स आते हैं, एक क्रिस्टलाइन आता है और एक एमरफस आता है. क्रिस्टलाइन का भी डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन होता है, वेर एज एमरफस का दैट इज कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक गैस कार्बन. ठीक है, सो कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. जैसे कि हमने पता चला एलोट्रॉपी ऐसा होता है, मतलब वही फेनोमेनन है जिसमें कि एक एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. नाउ एलोट्रॉपी कौन कौन दिखाता है? कार्बन दिखाता है, सल्फर दिखाता है, फॉस्फोरस दिखाता है. ठीक है, कार्बन का फिर दो टाइप का रहता है एलोट्रॉपी, एक क्रिस्टलाइन रहता है और एक एमरफस, यानी कि दिखने में क्रिस्टलाइन टाइप का होता है और एमरफस सपोर्टेड फॉर्म में रहता है. तो क्रिस्टलाइन में हमें मिलता है ग्राफाइट, डायमंड एंड फुलरिन, वेर एज इन ग्राफाइट फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म में वी कैन फाइंड दैट कोल, कोटार, चारकोल, लैम्प ब्लैक गैस कार्बन, तो ये सब होते हैं. यानी एलोट्रॉप्स डिफरेंट फॉर्म्स में विजिबिलिटी के हिसाब से क्रिस्टलाइन और एमरफस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट विल बी रीडिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड. डायमंड हैज़ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो डायमंड जो होता है वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है. ठीक है, चार कोने टाइप का उसका ज्योमेट्री आपने देखा ही होगा डायमंड को, तो वैसे रहता है. दैट इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की तरह होता है, राइट? दिस इज बिकॉज ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू फोर नेबरिंग कार्बन एटम्स वाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसीलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर कार्बन जो होता है चार और कार्बन से कनेक्टेड होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग से, यानी दो लोगों के बीच में दोस्ती हुई होती है, रिजल्टिंग इन द सिंगल यूनिट ऑफ क्रिस्टल, जिससे कि क्रिस्टल बनता है. दैट्स वाई इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपी. ओके, नेक्स्ट, दिस क्रिस्टल यूनिट्स
लाई इन डिफरेंट प्लेन्स एंड आर कनेक्टेड टू इच अदर. तो ये डिफरेंट प्लेन्स में कनेक्टेड होता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो डायमंड का इतना याद रखो, डायमंड का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है. कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल बनता है और उनका थ्री डायमेंशनल क्यूबिक पैटर्न रहता है, ठीक है. ओके, तो डायमंड का क्या क्या प्रॉपर्टी है? इट हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम सीसी पर सीसी, हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.5, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, एंड इट्स अ पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर 5-6 पॉइंट्स, दैट्स इट, ओके, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट इज ग्राफाइट. ग्राफाइट क्या होता है? ग्राफाइट इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपी एलोट्रॉप, ओके. In graphite, each carbon atom is bonded covalently to three other carbon atoms, leaving each carbon atom with one free valency. This arrangement results in hexagonal rings in a single plane, and such rings are stacked over each other through weak van der Waals forces. There is a forces you must have read or not, I don't know. It's van der Waals forces. There are different types of forces, okay, that acts in between that of the particular element bonding. सो ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है, आप अच्छे से डिस्कस करोगे नेक्स्ट क्लासेस, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बस इतना ही याद रखो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेज दैट एक्ट्स बिटवीन दैट टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स, लाइक कोवैलेंट फोर्स एंड ऑल. सो हियर इन ग्राफाइट देयर विल बी वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट्स अपॉन, जिससे कि स्टैक रहता है पर्टिकुलर कंपाउंड और ग्राफाइट बनता है. क्या लिखा है? ईच कार्बन इज बॉन्डेड कोवैलेंटली. एक पर्टिकुलर कार्बन तीन पर्टिकुलर कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है. तो यही जो अरेंजमेंट होता है वहाँ पे क्या था, टेट्राहेड्रल था डायमंड में, लेकिन ग्राफाइट में हेक्सागोनल होता है एक के ऊपर एक, और उनका जो बॉन्डिंग होता है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस रहता है, थोड़ा वीक रहता है, ठीक है. नेक्स्ट इसका डेंसिटी है 2.25 ग्राम पर सीसी, हैज़ अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील एंड इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी ऑल यूज ग्राफाइट. फॉर एग्जाम्पल इट इज, एनी बडी हु कैन टेल मी, इट इज़ पेंसिल. पेंसिल इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, दैट इज ग्राफाइट. फाइन, सो डायमंड में जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ग्राफाइट में हेक्सागोनल ज्योमेट्री है, ठीक है, और वहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, यहाँ पे वीक रहता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. नाउ इट्स 660 ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फुलेरिन, इज अ वेरी पॉपुलर स्टेबल फॉर्म ऑफ नॉन फुलेरिन. तो ऐसे कि हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपी में और एक होता है डायमंड, और आपका ग्राफाइट के बाद फुलरीन होता है. फुलरीन का एग्जांपल है C60, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन. वो एक बहुत स्टेबल फॉर्म है कार्बन का, ठीक है. दैट द एग्जांपल ऑफ फुलरीन इज C60, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन. इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली अकरिंग फुलरीन एंड कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वान्टिटीज इन सूट, ठीक है. मिलता है वो बहुत ही कॉमनली नेचर में मिलता है. इट कंसिस्ट ऑफ C60, क्यों? क्योंकि 60 कार्बन है. 60 कार्बन अरेंज इन 12 पेंटागॉन्स एंड 20 हेक्सागॉन्स लाइक इन अ सॉकर बॉल. सॉकर बॉल आपको पता है जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है. C60 होता है आपका, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन. फुलरीन का एक पार्ट है, अबंडेंटली अवेलेबल स्टेबल फॉर्म है, जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स हेक्सागोनल फॉर्म में, दैट इज इन अ सॉकर बॉल की तरह जुड़े रहते हैं, ठीक है. बस एग्जाम्पल याद रखो. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस, ओके, काफ़ी सारा है ये. ओके, नेक्स्ट इज सैचुरेटेड चेन. चेन के बारे में पढ़ेंगे, चेन रिंग और ब्रांचेस, ओके. तो ये क्या है? दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? दीज हाइड्रोकार्बन्स हैव ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दीज आर नोन एज एल्केन्स. आई हैव टॉल्ड यू नो व्हाट इज एल्केन. सिंपल, एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन. सैचुरेटेड जो होता है, सैचुरेटेड में यू विल बी फाइंडिंग सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड में यू विल बी फाइंडिंग मोर देन सिंगल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. यानी सैचुरेटेड में आ जाएगा एल्केन और अनसैचुरेटेड में आएगा आपका एल्कीन या फिर एल्काइन, ठीक है. उनका फॉर्मूला क्या है? सैचुरेटेड यानी कि एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है. और यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर 1, 2, 3, 4, यानी अगर 1 है तो आपका n है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? C1H कितना होगा बताओ? क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है? नहीं, इट्स राइट. ओके, सो फर्स्ट वन विल बी CnH2n, दैट इज
जैसे कि आपका CH2 ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका C2H6, तो ऐसे करके C2H4, उसके बाद C3H6 ऐसे बढ़ेगा। यानी कि इतना याद रखो, सैचुरेटेड एक और अनसैचुरेटेड एक। सैचुरेटेड का जो होता है उसमें एल्केन सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड में एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन इज़ फॉर डबल बॉन्ड, एल्काइन इज़ फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उनका फॉर्मूला है एन स्टैंड फॉर 1, 2, 3, 4, एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट ऑफ योर एल्कीन इज CnH2n, ओके, +2 एन उसमें सब्सटीट्यूट करके आप निकाल दो, ठीक है। एल्कीन में CnH2n, दैट इज़ अगर 2 निकाल रहे हो तो C2H4। एंड हाइड्रोकार्बन दैट इज ट्रिपल बॉन्ड में यू कैन फाइंड CnH2n-2, ठीक है। नेक्स्ट, सो चेन ब्रांच और रिंग देखो, ये स्ट्रेट चेन में यू कैन फाइंड कार्बन कार्बन सिंगल अटैच में है, और ब्रांच चेन में आप देखो सेकेंड पिक्चर इज ब्रांच चेन, सिंपल। तो चेन में यू कैन फाइंड एक पर्टिकुलर कार्बन एक ही लेयर में, दैट इज स्टेट में है, जबकि ब्रांच में ब्रांचिंग हुई है। साइकिल में देखो, एक साइकिल की तरह है, सर्कुलर वे में, यानी पहले स्ट्रेट चेन, तीन टाइप का चेन होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच चेन होता है, और एक सर्कुलर चेन आप बोल सकते हो, या फिर हाँ साइक्लिक कंपाउंड होता है। स्ट्रेट चेन आपको मिल गया, ब्रांच चेन मिल गया, और साइक्लिक मिल गया। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? व्हाट आर आइसोमर्स? द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल फॉर्मूला। हम पढ़ चुके हैं आइसोमर के बारे में। आइसोमर क्या होता है? सेम स्ट्रक्चरल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि C2H4 ऐसा कुछ भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा होगा, उसी को बोलते हैं आइसोमर, एंड द फेनोमेनन इज आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर अलग अलग तरीके से इसकी ब्रांचिंग होगी, ताकि अलग अलग प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंटेन, न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन सेम ही फंक्शन है, सेम ही पर्टिकुलर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन उनकी ब्रांचिंग अलग है, इसी वजह से नाम अलग है, और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज वे एग्जिबिट करता है, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, बेंजीन। बेंजीन इज आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोजन होता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कलरलेस लिक्विड, पंजेंट ओडर, फ्लेमेबल, वोलाटाइल। स्ट्रक्चर होता है C6H6 इज बेंजीन, 3-2 डबल बॉन्ड्स होता है, दैट्स इट, ओके, लाइक दिस। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन पर्टिकुलर चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दैट यू लाइक्ड इट। हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आई जस्ट हैड अ ग्लिम्स ऑफ इट टुडे, एंड जस्ट डू अपीयर फॉर द एग्जाम, एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू पर्टिकुलर टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय।